भीगी हुई सिगरेट कभी जल नहीं सकती और ये तय है कि तेरी मौत की तारीख कभी टल नहीं सकती। दोस्तों, जब भी ये डायलॉग सुनते होंगे तो आपके जहन में एक ही नाम आता होगा, मिथुन दा का, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में प्यार से डिस्को डांसर का खिताब हासिल किया। ये एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में दी। आज मिथुन दा को बॉलीवुड में किसी पहचान की जरूरत नहीं है, इन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अलग जगह बना ली है। लेकिन दोस्तों, आप सब मिथुन चक्रवर्ती के बारे में तो जानते हैं, क्या इनके बेटे के बारे में जानते हो, कौन है, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इनके बेटों के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना और बॉलीवुड के इस दिग्गज कलाकार के लिए वीडियो को लाइक तो कर दो। बॉलीवुड के महान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने 1976 में आई फिल्म मृगया के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। इनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई और इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। कुछ समय के लिए ये फिल्मों से दूर हो गए, फिर ये सीधा 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर में नजर आए। इस फिल्म में मिथुन ने जिम्मी की भूमिका अदा की। इसके साथ ही फिल्म डिस्को डांसर से मिथुन दा ने एक्टिंग के साथ बेहतरीन डांसर के रूप में भी पहचान बना ली। फिल्म अग्निपथ में कृष्णन अय्यर का रोल निभाते हुए मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म फेयर अवार्ड के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला। बेहतरीन एक्टर के तौर पर पहचाने जाने वाले मिथुन ने हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें हिट और फ्लॉप दोनों तरह की फिल्मों को मिलाकर ये अब तक 350 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। इनकी फिल्म ताशकंद फाइल्स में भी इनके अभिनय को काफी पसंद किया गया। ये फिल्म भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या से संबंधित फिल्म थी। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेता के बेटों की तो इनके तीन बेटे हैं, महाक्षय चक्रवर्ती, नमासी चक्रवर्ती और उष्म चक्रवर्ती। अगर बात करें इनके बड़े बेटे महाक्षय चक्रवर्ती की तो बॉलीवुड में अपना कदम रख चुके हैं। इन्हें बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म जिम्मेदारियां, रॉकी, तुक्का फिट और जिमी जैसी फिल्मों में मेन लीड एक्टर का रोल निभाने को मिला। इन फिल्मों में इनके किरदारों को पसंद किया गया, लेकिन इनके बड़े बेटे बॉलीवुड में अपने पिता की तरह ज्यादा नाम नहीं कमा पाए। अगर बात करें इनके दूसरे बेटे नमाशी चक्रवर्ती की तो ये अपने भाई और पापा की तरह एक्टर हैं, जिन्होंने अंधाधुन और बधाईयों जैसी फिल्मों में साइड रोल के तौर पर काम किया, लेकिन दर्शकों ने इनके रोल को कुछ खास पसंद नहीं किया। आज भी इनका स्ट्रगल जारी है और आने वाले समय में अपने करियर बॉलीवुड इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, जिसके चलते काफी मेहनत भी कर रहे हैं। ये भी अपने पापा की तरह सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं। अगर बात करें इनके तीसरे बेटे उष्म चक्रवर्ती की तो फिलहाल ये अभी किसी फिल्म में नजर नहीं आए, क्योंकि इन्होंने अपना फील्ड अपने पापा और भाई से अलग चुना है। इन्हें एक्टिंग में बिल्कुल रुचि नहीं है, बल्कि अपना करियर एज ए डायरेक्टर करना चाहते हैं। फिलहाल उष्म चक्रवर्ती फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि मिथुन चक्रवर्ती के तीनों बेटे मिथुन चक्रवर्ती की तरह एक जाने माने अभिनेता नहीं बन पाए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में मिथुन चक्रवर्ती का कौन सा बेटा कितना नाम कमा पाता है। तो दोस्तों, आपको मिथुन चक्रवर्ती का कौन सा बेटा ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता दो, और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर डालो।